वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे झटपट पोहा। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा जीरा, हल्दी, राई, थोड़े से सिंगदाने, एक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और भिगोए हुए पोहा। अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे और हम उसमें सिंगदाना फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा सिंगदाना हमने तेल में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का सिंगदाने का कलर जो है बदल रहा है और हमारे सिंगदाने जो है अब फ्राई हो गए हैं। देखिए अब हम इसे पोहा की प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तेल में अब हम थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद में हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो रॉ टेस्ट रहता है हरी मिर्च का वो निकल जाए। अब इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद में हम इसमें एक चम्मच जितनी हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और अब कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया हम सीधे तेल में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे जो है बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है धनिए का। अब धनिया डालने के बाद में हम इसमें हमारा भिगोया हुआ पोहा और सिंगदाना दोनों साथ में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा पोहा जो है वो बहुत ही बढ़िया खिला खिला बना है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार अपनी नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक ढककर रख देंगे। देखिए हमारा पोहा कितना बढ़िया खिला खिला बना है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है और हमारा झटपट पोहा बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं।